अगर इस जीवन में कोई संकल्प नहीं होगा, उद्देश्य नहीं होगा, तो इसकी दशा उस लकड़ी के जैसी है जो कहीं भी बह जाती है, किसी भी दिशा में बह जाती है। लेकिन जब इसी मनुष्य जीवन को सत्संग श्रवण करके गुरु चरणों रूपी नाविक के हाथ में जब सौंप दिया जाता है, तो यही मनुष्य जीवन भगवान तक पहुंचने का उद्देश्य बन जाता है। इसीलिए ये जो भगवान की कथा है, ये जो भागवत है, ये हमारे बहते हुए जीवन को उद्देश्य देने का काम करती है। मार्ग, राह दिखाने का काम करती है। एक बात हमेशा कही जाती है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। हानि लाभ लॉस प्रॉफिट, जन्म और मरण, यश अपयश, ये सब विधि के हाथ है, भगवान के हाथ है। हमारे हाथ में हमारा जन्म नहीं था, हमारे हाथ में हमारा मरण भी नहीं रहेगा। हमारे हाथ में लाभ भी नहीं और हानि भी नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में फिर है क्या? अगर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचा तो फिर तो जीना ही बेकार है। जब सब कुछ ही भगवान के हाथ में है तो फिर कर्म करने का लाभ ही क्या रहा? तो कहा कि जन्म और मरण भगवान के हाथ में है, लेकिन जन्म और मरण के बीच का जो जीवन है वो हमारे हाथ में। हानि और लाभ भगवान के हाथ में है, लेकिन उस हानि से हार न जाना ये हमारे हाथ में। लाभ भगवान के हाथ में, लेकिन लाभ पाकर के एकदम अभिमान में मदमस्त ना हो जाना ये हमारे हाथ में। भगवान ने अपने हाथ में बस कुछ ही चीज रखी है, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दिया। भगवान की एक सबसे अच्छी बात ये है, भगवान हमारे कर्मों में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते। जैसा मैंने एक दिन कहा था, मास्टर ज्यादा देखता नहीं कि आपको उत्तर सही लिख रहे हो या गलत, उसको कोई मतलब नहीं, वो बस चुप रहेगा, देखता रहेगा। तो धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम् श्रीनामामृतम्। धन्य है वो लोग जो सतत निरंतर भगवान की कथा से जुड़ करके इस नाम अमृत का रस पान करते रहते हैं। हम सब पर भी ये ठाकुर जी की कृपा हुई कि भगवान ने हमको मौका दिया। वैसे तो हर क्षण कहते हैं सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, पर वही कथा अगर अधिक में प्राप्त हो जाए तो उसका कई गुना फल, कई गुना लाभ प्राप्त होता है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, ज़्यादा हम ये कह दें कि आप हम बड़े भाग्यशाली, तो अभिमान पैदा हो जाता है, और वो अभिमान हमारे सत्कर्म का नाश कर देता है, हमारे सदकार्यों का नाश कर देता है। इसलिए इस जीवन को, जो जन्म और मरण के बीच का जीवन है, महापुरुष कहते हैं जीवन एक किताब है, इसका पहला और अंतिम पन्ना लिखा जा चुका है। जन्म हो चुका है, मरण भी हमें नहीं पता, पर उसकी निश्चित तारीख डेट सब निश्चित है। तो बाकी रह गया बीच वाले पन्ने, वो हमको भरने हैं। कोई सत्संग करके भर रहा है, कोई दान करके भर रहा है, कोई पाप करके भर रहा है। अब जो जैसी गति कर रहा है भगवान उसको वैसी ही, जैसी जिसकी मति है वैसी भगवान उसको गति प्रदान करेंगे। तो अगर गति को सुधारना है तो सबसे पहले क्या सुधारना पड़ेगा? अपनी मति सुधारनी पड़ेगी, मन की शुद्धि। और मन की शुद्धि किससे होती है? तन की शुद्धि, अच्छा चलो तन की शुद्धि बताइए, तन की शुद्धि किससे होती है? थोड़ा आप भी बोलो, नहीं तो सो जाओगे।
सुबह सुबह और बढ़िया नींद आती है कथा में। तन की शुद्धि किससे होती है? स्नान से। शरीर की शुद्धि तो स्नान से ही होती है ना, बिना स्नान करे तन शुद्ध भगवान के सामने नहीं जा सकते। अब ये थोड़ी है कि ड्राई क्लीन करके आ गए, छीटा मार के आ गए, बोले हो गया स्नान। और ठंडी में तो और ज्यादा कई लोग बस ऐसे ही छीटा मार के, वो गंगा जी छिड़क ली, हो गया काम, गंगा जल छिड़क लिया, तो उससे शरीर की शुद्धि नहीं होगी। और अगर शरीर की शुद्धि नहीं करते तो खुद भी आलस्य रहता और जो सामने वाला रहता उसको भी बड़ी बड़ी विचित्र गंध आती है, इसलिए वो भी दूर भागता है। तो शरीर की शुद्धि होती है स्नान से, धन की शुद्धि होती है दान से। हमारा धन कब शुद्ध होगा? धन में भी प्योरिफिकेशन चलता रहना चाहिए। ये धन हमारा जो है ये प्योरीफाई कब होगा, ये शुद्ध कब होगा? जब इसको हम थोड़ा थोड़ा सदकार्यों में लगाएंगे, अच्छे कामों में लगाएंगे। अपने ही अपने लगाते रहेंगे तो फिर ये धन शुद्ध नहीं होगा। और देखो धन कमाई के तो बहुत सारे मार्ग होते हैं ना, अधर्म का धन, यहाँ तक कि ये भी कहा गया है बिना मेहनत के भी अगर कोई धन हमें मिल रहा है ना, जिसमें हमने मेहनत नहीं की, उसको भी अधर्म का धन गिना शास्त्रों ने। तो उस हिसाब से देखो तो सबके धन में कहीं ना कहीं अशुद्धि है। इतनी मेहनत कहाँ होती जितना हम धन प्राप्त कर लेते हैं। तो तन की शुद्धि स्नान से, धन की शुद्धि दान से, और मन की शुद्धि होती है भगवान के ध्यान से, भगवान के चिंतन से, भगवान की कथा के चिंतन से। इससे मन शुद्ध होता है। और मन शुद्ध रोज होना जरूरी है, जैसे स्नान रोज जरूरी है वैसे मन को भी शुद्ध करना रोज जरूरी है। मन शुद्ध किससे होगा? मन भगवान के चिंतन से, भगवान की कथा से। और तो कोई दूसरा उपाय, मार्केट में और तो कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है नहीं मन की शुद्धि के लिए, हो तो बताओ। आपके परतवाड़ा में कुछ मिलता हो डिफरेंट यूनिक तो बताओ जी। हमारे मार्केट में तो मिलता है, मन धोने का साबुन मिलता है, मन धोने का डिटर्जेंट मिलता है, हमको तो मिला नहीं आज तक, सबरी दुनिया घूम लिए, मन धोने का कोई साबुन कहीं मिला नहीं। क्यों? क्योंकि मन धोने का जो असल में साधन है वो हमारे पास है श्रीमद् भागवत। ये धीरे धीरे हमारे मन को स्वच्छ करती है, हमारे मन को साफ करती है। गंगा जी हमारे तन को स्वच्छ करती है, भागवत गंगा जी हमारे मन को स्वच्छ करती है। गंगा जी तन को ही शुद्ध करेंगी, गंगा जी पाप तो धो देंगी पर गंगा जी पाप वृत्ति को नहीं धोएंगी। पाप वृत्ति को धोने के लिए भागवत गंगा में आना पड़ेगा, यहाँ डुबकी लगानी पड़ेगी, यहाँ स्नान करना पड़ेगा।